मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में मंडल अध्यक्ष व मंडल प्रभारी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी व क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2022 को लेकर भाजपा नेताओं में जोश भरा और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को याद करते हुए कहा कि इस दिन 31 वर्ष पहले अयोध्या में राम भक्तों की निर्मम हत्या व बर्बर व्यवहार हुआ था तथा उस समय की सरकार ने कार सेवकों पर गोली तक चलवाई थी। जिसने भी इस त्रासदी को देखा उसके साथ हर भारतीय परिवार ने इस दर्द को महसूस किया। उन्होंने कहा, सेकुलरिज्म के नाम पर गैर भाजपा दल या तो मौन थे या तुष्टिकरण के नाते इस घटना को जायज ठहराते रहे, लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीय जनता पार्टी की नीयत इस मुद्दे पर साफ थी और इस पर मुहर लगा दी। इसलिए जब 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया तथा शहीद कार सेवकों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दुनिया का नजरिया बदला है, इसके साथ देश का नजरिया भी भाजपा के प्रति बदला है, क्योंकि इन वर्षों में विकास के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं तथा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो देश के माथे पर कलंक था, इसको हटाने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कराए गए कार्यों का जनता के बीच मजबूती के साथ रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और बाकी विरोधी दल चेहरा और जाति को आधार बनाकर काम करते हैं, जबकि भाजपा की लीडरशिप अटूट निष्ठा के साथ देश और समाज की सेवा करती है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संगठन की मंशा से किए गए कार्य इसका उदाहरण है। उन्होंने पूर्व की सपा और बसपा की सरकार में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति पर कई उदाहरण देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा एक ईश्वरीय संगठन है, इसलिए हम सभी ईश्वरीय कार्य करते हैं। हम किसी व्यक्ति परिवार के लिए नहीं, राष्ट्र व समाज के लिए कार्य करते हैं। भाजपा गरीब और शोषित के लिए कार्य करती है। अगर भाजपा का कोई नेता कुर्सी पर बैठता है तो उसके पीछे उद्देश्य त्याग है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, ऐसे में देश, समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में फिर से हमारी सरकार जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद को त्याग कर सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश के सह संगठन प्रभारी अरविंद मेनन, चुनाव प्रभारी सांसद विवेक ठाकुर, प्रदेश महामंत्री और गोरखपुर के प्रभारी अनुप गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महामंत्री प्रदीप शुक्ला, सुनील गुप्ता, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, हम सभी के बीच में भारतीय भारत माता की विधानसभा प्रभारी जी आदि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहार में विधान परिषद पूर्व है। मैं एक बार कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, ताली बजा करके माननीय विवेक ठाकुर जी का, मैं सांसद जिनके देख रेख में इस गोरखपुर क्षेत्र में हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, सीपी ठाकुर जी, नाम सुना होगा उन्होंने, आप लोगों ने, उनके सुपुत्र हैं माननीय विवेक ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और इस क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता जी, सब लोग ताली बजाओ भैया, ताली बजाने में बिल्कुल न चलिए बाबू।
हमारी मैं बिल्कुल छोटा था, कुंभ के मेले में गया था स्नान करने, हमारी दो बहनें मेरे से बिछुड़ गई थी, दोनों बहनें मुझे इसी गोरखपुर क्षेत्र में मिली, हमारी पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष नीलम सोनकर जी, सब लोग ताली बजा करके स्वागत करो, दीदी खड़ी हो जाओ आप, है ना, वहीं से खड़ी हो जाओ, चुनाव में खड़े होने को मिले ना मिले इस बैठ खड़े यहाँ पर खड़ी हो। हमारी दूसरी बहन हमारी प्रदेश की मंत्री शकुंतला चौहान जी, खड़ी हो जाओ दीदी, है ना, माई की कृपा और भाई का साथ हो जाएगा तो इस चुनाव में हम लोगों को बहुत ही आराम से हम चुनाव जीतेंगे। हमारे क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय जी, भैया है सहजानंद जी, सब लोग ताली बजा करके स्वागत करो भैया। हमारे दूसरे क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता जी, प्रदीप शुक्ला जी, प्रदीप शुक्ला भैया कहाँ पड़ा, प्रदीप शुक्ला जी कहाँ, आपको नहीं, प्रदीप शुक्ला जी आपको, सब लोग ताली बजाओ भैया। हमारे तीसरे महामंत्री सुनील गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी के बाद का हमने लास्ट में नाम इसलिए लिया, सुनील भैया आओ कहाँ पड़ा, यहाँ आइए, सब लोग ताली बजाओ भैया। हम इनके साथ में प्रवास कर रहे थे, मैं एक दिन एक सर्किट हाउस में रुका भैया, सुबह नहाया धोया कपड़ा बदला चाय का इंतजार कर रहा था, जलपान का इंतजार कर रहा था, अखबार पढ़ रहा था, हमारे साथ सुनील भैया थे, तो उस समय में उस सर्किट हाउस में दो बाल्टी में गर्म पानी लेके लोग आए, मैंने कहा कि भैया कहा मैंने क्या करने के लिए आप गर्म पानी ला के रखे हैं अंदर, करे कि आप नहा लीजिए तो फिर मैं जलपान कराता हूँ चाय भेजता हूँ, तो हम दोनों ने कहा कि हम दोनों नहा चुके हैं भैया, क्यों आप गर्म पानी लाए, कहे देखने में, अब दतिया माँ के दर्शन करने गई थी, इसमें कोई नया बात है नहीं, सब लोग दर्शन करने जाते ही हैं, जाते हैं कि नहीं, आप लोग जाते हैं कि नहीं दर्शन करने, सब लोग हाथ उठा के बताओ भैया दर्शन करने जाते हैं, अपना हाथ तो ऐसे उठता है ऐसे, है ना, दर्शन करने जाते हैं। कमलनाथ गए, कमलनाथ गए केदारनाथ, है ना, और अपने राहुल भाई जान गए, का आपने सुना था पिछले चुनाव में राहुल भाई जान क्या किए, अपना कुर्ता पैजामा पहन के वही के ऊपर जनेऊ लटका ले पड़ा। अब आप ये बताइए, ये लोग जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनना, अभी जब चुनाव आ गया तो मंदिर जाना, केदारनाथ जाना, तो कोई यहाँ जाना कोई वहां जाना, हमको ऐसा लगता है कि ये जो सब कर रहे हैं ये सब सीजनल हिंदू हैं। कौन से हिंदू हैं? सीजनल हिंदू हैं, और ये सीजनल हिंदू लोग चुनाव के मौसम आते ही वोट पाने के लिए ये सब नाटक ही करते हैं, ये सब वोट कटवा है सब। आप इस प्रदेश को उठा करके देखो, इस प्रदेश में चार राजनीतिक दल है ऐसा मैं महसूस करता हूं, एक का नाम है फसली, एक का नाम है नकली, और तीसरे का नाम है कतली, और चौथे का नाम है असली। अगर मैं ये चारों नाम आपके सामने एक एक करके नाम लेता हूं, रमेश भैया बताओ, अगर फसल उगाता है और उसके काटे बदे कोई राजनीतिक सबसे पहले कूद के आता है देश स्वतंत्र होने के बाद से लेके आज तक, कौन उसका नाम, मैंने उसका नाम रखा है फसली। कौन सा राजनीतिक दल है? सब लोग बोलो कौन सा राजनीतिक दल है? कांग्रेस। दूसरा राजनीतिक दल है जो बोलता वो है ही नहीं साहब, जो दिखता वो है ही नहीं साहब, उसका नाम रखा है हमने नकली। कौन सा राजनीतिक दल है? बसपा। तीसरा राजनीतिक दल है, देखा उस दल का नाम मैंने रखा है कतली। क्या नाम रखा? अब आप बताओ कौन सा राजनीतिक दल है? सपा। आप ही बोल रहे हो, मैंने तो बोला नहीं साहब। दूसरा राजनीतिक दल है जो बोलता है वो करके दिखाता है साहब, उससे अगर कुछ बोला है वो करके दिखाएगा, ये है देश में, ये है प्रदेश में, ये हमारा नेता है कौन? मोदी। दूसरा है योगी। तो कौन सा राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी। आपने देखो, आप उठा के देखो, आपको लगेगा कि मोदी जी योगी जी ये सब अभी बन गए, ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले ये सब कहा गया है। जब आप उठा करके पन्ने पलटोगे तब आएगा, महर्षि श्री ऋषि अरविंद ने बोला 1836 जब देश में बदलाव शुरू हुआ, और ये बदलाव 1836 तो हमने हवन तो नहीं देखले बड़ी कोनो देखले बड़ा, लेकिन ऋषि अरविंद बोलते हैं एक युग के बाद में ये आपको दिखेगा, 1836 में 175 जोड़ो ये आएगा 2011 हम सबने देखा है,
2011 तक आप उठा करके देखो देश में परिवर्तन किस तरीके से हुआ, और उठा करके 2014 में हम मोदी जी के रूप में हम देश में प्रधानमंत्री बना गए। मोदी जी ने इन सालों में जिस तरीके से काम किए, देश का जिस तरीके से श्रृंगार किया, अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर जिस तरीके से नाम हुआ, इसलिए मोदी जी का को हम बोलते हैं MODI, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मुझे लगता है आपके आज के अवसर पर इतना ही बोलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और विश्वास के लिए परम पूज्य महाराज जी का इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रभारी राधाम मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अरविंद मीणा जी और माननीय ठाकुर जी का मंत्री एवं गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी श्री अनुज गुप्ता को मैं आग्रह करता हूँ कि हम सभी के प्रयासों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अपने स्थानों पर खड़े परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, दिन में सातों दिन, दिन के 24 घंटे परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले ऐसे हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, एक बार तालियों के एक कार्यकर्ता भाव है। इतने बारों से सांसद रहने के बाद भी कोई अहंकार नहीं है, हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, जिनके कारण हम सब मजबूत हैं, संगठन भी अच्छा चल रहा है। ऐसे हम सबके उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन जी, एक बार हमारे
आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अरविंद मेनन जी, एक बार तालियों से हमारे आदरणीय विवेक ठाकुर जी, मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और इस तरह की लोकप्रिय और ईमानदारी के साथ काम करने वाले ऐसे आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, हम सबके प्रदेश क्षेत्र हमारे सहयोगी प्रदेश के महामंत्री इस क्षेत्र के प्रभारी सम्मानित हमारे अनूप गुप्ता जी, हमारे सहजानंद जी, प्रदीप शुक्ला जी, सुनील जी और यहाँ हमारे वरिष्ठ, हम सबसे वरिष्ठ, हम लोग युवा मोर्चा में काम करते थे ऐसे बहुत लोग वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश अध्यक्ष के नाते से झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। इसमें ऐसा कौन विधानसभा प्रभारी है जो 10 दिन से ज्यादा प्रवास करता है, 10 दिन से ज्यादा प्रवास का हमें आप जानते भी हैं, हम अंतः तक जा भी सकता हूं, अंदर भी पूछ सकता हूं, इसलिए जो ईमानदारी से 10 दिन से ज्यादा प्रवास करते हैं कृपया खड़े हो। बैठ जाइए, बबन सिंह खड़े रहे, बाकी बैठ जाए। बबन सिंह जी, चार महामंत्रियों के नाम बताइए तो मंडल के, यदि 5 दिन से ज्यादा भी प्रवास नहीं हो, 10 दिन तो मान गया, यदि 5 दिन से प्रवास नहीं कर रहे हो तो मैं धर्मन जी को बोलो नहीं चुनाव हम लड़ सकते हैं। यदि 5 दिन का प्रवास नहीं हो रहा है तो क्या मतलब विधानसभा प्रभारी, हवा में मारेंगे तीर क्या? फोटोग्राफर भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र जिला के प्रभारी जिलाध्यक्ष, मंडल के प्रभारी, मंडल के अध्यक्ष और अन्य सभी प्रमुख पदाधिकारियों के आज के सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, जिनका भी मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ है, प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री व क्षेत्र संगठन के प्रभारी सम्मान श्री अरविंद मेनन जी, राष्ट्रीय मंत्री व प्रदेश सह चुनाव प्रभारी माननीय श्री विवेक ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री व क्षेत्रीय प्रभारी श्री अनूप गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी, सहजानंद राय जी, सुनील गुप्ता जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिले के प्रभारी अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और अध्यक्षगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका यहाँ पर
आपको इन मंचस्थ सभी पदाधिकारियों का यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। आप सबने भी अपने स्तर पर संगठन के द्वारा अब तक दिए गए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया होगा, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नेतृत्व के प्रति अगाध निष्ठा, संस्थापकों के द्वारा स्थापित मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति, कैसे परिवर्तन लेकर के आती है, आज की तिथि हम सबको एहसास कराती है। भाइयों बहनों, ठीक आज से 31 वर्ष पहले अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर बर्बर और निर्मम गोलीकांड हुआ था। उस बर्बर घटना को प्रत्येक भारतीय ने निंदा की थी, उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन भारत के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग इस घटना पर या तो मौन थे या फिर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए इसको जायज ठहराने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए वर्षों से चल रहे आंदोलन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, तब 30 अक्टूबर 1990 को जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उनके आपराधिक कृत्य भी देश और दुनिया के सामने उजागर हो जाते हैं। और इसलिए ये घटना याद रखना, हमेशा इस बात के लिए हम सबको प्रेरित कर रही है कि अगर हमारी निष्ठा में कोई भी अंतर नहीं, हमारी नियत साफ है, तो हमारी नीति को नियंता भी सफल बनाने में योगदान देता है। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण, जय श्री राम, चल रहे वर्तमान के प्रयास उसी परिश्रम का और उसी पुरुषार्थ का परिणाम है। 2014 में इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया, 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और देखते ही देखते देश का नजरिया बदला, दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारत के नागरिकों का भारत की शासन व्यवस्था के प्रति नजरिया बदला। आज वो सब कार्य हो रहे हैं जिसको कभी असंभव कह दिया जाता था। इसीलिए आज हम सब यहां पर आपके बीच आए हैं। जो लोग 1990 में हमारी एक जायज मांग पर बर्बर गोली चला रहे थे, ये वही लोग हैं जो आज भी चेहरे बदले होंगे लेकिन बाकी तो सब कुछ वही है। यही लोग फिर आएंगे, नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम वही है जो 1990 में उनका था,
जब भी उनको प्रदेश में शासन करने का, केंद्र में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने उस समय भी जो किया था वही कार्य वे आगे भी, उनको जब भी दुर्भाग्य से मौका मिलेगा वे वही कार्य करेंगे जो उन्होंने इससे पहले किया है। इसलिए इन सब के प्रति आप सबको फिर से जागरूक करने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 के सत्रासदी को हो सकता है अपनी आंखों से ना देखा हो सकता है उस समय के समाचार को लोगों के सुना तो होगा। बहुत सारे कार्यकर्ता आप में से ऐसे हैं जिनकी उस समय उम्र बहुत छोटी रही होगी, उसको महसूस नहीं किया होगा, लेकिन लाखों लाख कार सेवकों ने, राम भक्तों ने उस दर्द को महसूस किया था। हर भारतीय परिवार ने उस दर्द को महसूस किया था। और इसीलिए 2017 में जब सरकार बनी थी तो हम लोगों ने जो सबसे पहला काम किया था वो कहता है अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होगा। दीपोत्सव का आयोजन से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प तो होगा ही होगा। उन कार सेवकों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि भी होगी जिन्होंने अपने को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति समर्पित किया था। आखिर कार्य की सफलता का मंत्र क्या है? हमें सफलता कब मिलती है? ये सफलता कोई जेब में नहीं रहती किसी की। सफलता का वही मंत्र है जो मंच पर बैठे हुए पदाधिकारी बार बार आपके पास जाकर के आपसे कहते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे अपने इस मिशन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का योगदान दें। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने, सम्मान्य श्री अरविंद मेनन जी ने, श्री विवेक ठाकुर जी ने, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने, श्री अनुप गुप्ता जी ने, ये जब भी आपके बीच आते होंगे तो इन्हीं सब बातों को आपके बीच दोहराते होंगे। और मेरा ये मानना है कि सफलता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कार्य की जानकारी हो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले इस बात की जानकारी। क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा, हमारे मन में जो करणीय कार्य हैं उसके प्रति एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति का मतलब उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, और फिर उस उमंग और उत्साह को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए भी जब हम एक सार्थक दिशा में बढ़ जाएंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। इस सकारात्मक पहल के लिए ही उस इच्छा शक्ति को उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही और करणीय कार्य जो संगठन के हित में है, समाज के हित में है, उसके प्रति आप सबको जोड़ने के लिए ही ये निरंतर प्रवास अरविंद मेनन जी के हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के हैं, क्षेत्रीय प्रभारी जी के हैं, श्री विवेक ठाकुर जी के हैं, और आज प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के प्रभारी जी भी आपके बीच में यहां उपस्थित हुए हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश का दौरा इसी उद्देश्य से था। तब तो फिर पा गए थे आप राम जन्मभूमि। अगर हम केवल इस आधार पर कि मेरी जाति का है इसलिए मैं समर्थन करूंगा तब तो कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती। नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ साथ एक ही धर्म वह है राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ जब कार्य होता है तब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है। और भाइयों बहनों, जब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है तब
वर्षों और दशकों की समस्या का समाधान ऐसे होता है जैसे कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति होती है और श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। और भाइयों बहनों, उसी भाव के साथ जोड़ने के लिए जब आप किसी एक बैठक में हो जहां पर विशुद्ध संगठनात्मक कार्य के प्रति चर्चा हो रही है, तो अपनी डायरी कलम लेकर के एक एक बिंदु को नोट करते जाइए। लेकिन जब आप किसी एक सम्मेलन में हो तो फिर उत्साह के साथ बैठिए, उत्साह और उमंग आपका करंट की तरह दौड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, उमंग और उत्साह के रूप में जुड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, आपके हाव भाव में उत्साह उमंग दिखना चाहिए। हम निराश हताश बैठ जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मालूम है 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 2014 के पहले देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कितने थे उत्तर प्रदेश से? मात्र 10। 2014 में कितने बने? 73। 2019 में दुनिया का एक महागठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए बना, सबने कहा कि अब तो गए, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृहमंत्री, आज के गृहमंत्री उस समय के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2014 को दोहराने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, उस गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीट पाई है प्रदेश में। आखिर 65 कार्यकर्ता उस स्थान को प्राप्त किए ना, 65 कार्यकर्ता वहां गए ना, राज्यसभा में भी सदस्य जा रहे हैं ना चुनकर के, फिर केंद्र की सरकार बन रही है, लोक कल्याणकारी जो कार्य हो रहे हैं, किसी को मकान मिल रहा है, किसी को बिजली का कनेक्शन, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन, किसी को फ्री में अनाज, कोरोना में फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, ये तब हो रहा है जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर 2014 वाली स्थिति होती क्या होता आपको, हम में से पता नहीं कितने लोग अब तक दूसरे लोग की यात्रा पे निकल गए होते, क्या नजारा होता देश के अंदर। आपने देखा होगा पहली बार कोई प्रधानमंत्री वैक्सीन के सेंटर का दौरा कर रहा है, इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी ऐसे सेंटर का दौरा करते हुए देखा? कोरोना कालखंड में एक एक मुख्यमंत्री किसी के साथ, एक एक राज्य के साथ संवाद बना करके और पूरे संगठन को, सेवा ही संगठन है, इसके साथ झोंकने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जब जनता के सामने जा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी का तो पता नहीं था, ओबीसी का भी पता नहीं था, अन्य दल भी किसी का तो पता नहीं था, तब क्या तो केंद्र सरकार का की मदद थी या प्रदेश सरकार उसका तंत्र था या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, और कोई चौथा था ही नहीं, इसके अलावा कोई पांचवा था ही नहीं। हमें बोलने में संकोच कैसा, हमें मजबूती के साथ अपनी बात को रखने की हिम्मत चाहिए और उस प्रकार की इच्छा शक्ति के साथ एक एक कार्यकर्ता के पास, एक एक जनता जनार्दन के पास जाना चाहिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी थी? 47। आज कितनी है? 304। कितनी है? 304। 2017 के पहले एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? कुल थे 10। आज कितने हैं? 37। ये सब 37 जो है कार्यकर्ता ही हुए हैं ना, कोई बाहर से नहीं टपक के आया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आप जैसा कार्यकर्ता ही है।
2017 के पहले स्थानीय निकाय मेयर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? केवल दहाई के अंक में थे। वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर पार्षद, चेयरमैन और मेयर, इनकी संख्या अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, इनकी संख्या है 8,500। 8,500 कार्यकर्ता या तो मेयर बना है, या चेयरमैन बना है, या पार्षद बना है, और कोई और नहीं बना है, आप जैसे कार्यकर्ता ही बने हैं। दो हजार इक्कीस के पहले उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य और ग्राम पंचायत समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के कितने बने थे? कुंबली में गिने जाते थे सैकड़ों में। चेयरमैन यानी जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बहुत मुश्किल से 5-7 थे, 5 से 7 यानी 10वीं भी क्रॉस कर पाए थे। ब्लॉक प्रमुख, इनकी संख्या मुश्किल से 25 से 26 थी। ग्राम प्रधान, 59,000 ग्राम पंचायतें थी, इनमें ग्राम प्रधान सत्ताधारी दल के दबाव में आकर के जबरदस्ती अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं जीत रहा था, उसको हराने का कार्य हुआ था 2015 में। लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों में 77,000 क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की संख्या 2021 के पहले इनकी संख्या कुछ 100 में थी, सैकड़े में थी। यानी कुल मिलाकर के ये सभी संख्या मिलकर के जो संख्या होती है ये लगभग 7,70,000 से ऊपर है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की संख्या 2021 के पहले 1,000 की भी क्रॉस नहीं करती थी, और 2021 में संख्या कहां पहुंची है? भारतीय जनता पार्टी के 5,00,000 कार्यकर्ता इनमें समाहित हुए हैं। कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बना है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई ब्लॉक प्रमुख बना है, कोई ग्राम प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत सदी का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य बना है। 5,50,000 कार्यकर्ता इसमें समाहित हुए हैं। बोर्ड, निगम और अन्य संस्थानों में 19,000 से अधिक कार्यकर्ता उसमें समायोजित हुए हैं। ये तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ का परिचय देना होता है, मैं भी कर सकता हूं। अभी मैं देख रहा था पिपरोली के मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो अपना वहां पर अपनी बात कही जा रही थी, वृत्त दिया जा रहा था, बहुत अच्छे बोल रहा था मैं, क्योंकि मैं पिपरोली के गांव में घूमा हूं। प्रदेश अध्यक्ष गांव गांव नहीं घूमे वहां के, लेकिन मैं घूमा हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। वो बोल रहा था और अच्छा चयन किया। एक प्रयास आपने देखा होगा, 7.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी अपने लिए अवकाश नहीं लिया, कभी रुके नहीं, कभी झुके भी नहीं किसी के सामने, कभी थके भी नहीं है, और कभी अपने मिशन से डिगे भी नहीं है। भाइयों बहनों, मैं तो पिछले 25 सालों से आपके बीच में हूं। 4.5 वर्ष पहले पार्टी ने मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, और इन 4.5 वर्ष के दौरान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य किया है। परिणाम आपके सामने है, वे सभी रिजल्ट आपके सामने हैं।
पूरे प्रदेश के सामने है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले कहां था, आज 2021 में कहां है, दुनिया बोलती है उत्तर प्रदेश के परिणाम के बारे में। 2017 के पहले आप उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, पहचान का संकट होता था, लोग हेत इससे देखते थे, तो वहीं से डरते थे, होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे। आज आप जाइए देश और दुनिया में, कहीं जाएंगे लोग बड़े सम्मान के साथ बिठाएंगे, अच्छा उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छा। चेंज हुआ है, एक परिवर्तन हुआ है, एकदम 360 डिग्री घूम गया है पूरा, जिसको उल्टा बना दिया गया था। हमने कहा नहीं नहीं ये पूरा उत्तर होगा, और हमने उसको पलट करके वापस उत्तर प्रदेश को जो उसकी पहचान मिलनी थी भारतीय जनता पार्टी ने पहचान उत्तर प्रदेश को दिलाई है, और हर उत्तर प्रदेशवासी को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और आप जैसे कार्यकर्ताओं को और भी अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आपके परिश्रम से मोदी जी के आह्वान पर आपने सरकार बनाने में अपना योगदान दिया, और उस दिशा में हमें नए प्रयास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। दीपावली का आयोजन आएगा, मैं तो आह्वान पूरा करूंगा, आज हम गोरखपुर क्षेत्र में हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर मेरा परिवार भाजपा परिवार का कार्यक्रम चलना है, हम उस दिन एक काम करें, हम उस दिन एक अभियान को आगे बढ़ाएं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ सदस्य हैं, क्यों 2.5 करोड़ हैं, 2.5 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, मैं 2.5 करोड़ सदस्यों का आह्वान करूंगा कि वे एक संकल्प लें कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के साथ तो जुड़ेंगे ही, लेकिन दीपावली हर्षोमंग का पर्व है, और हर्षोमंग कभी व्यक्ति एकांत में नहीं अकेले में नहीं करता है, सामूहिकता के साथ होता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एक एक उस परिवार को ढूंढें जो अभाव से ग्रसित है, जिसके घर में दीप नहीं, कमल का दीप लेकर उसके घर में जला दीजिए, और इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा माध्यम मिलेगा, 43 लाख प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिए हैं, हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पंचायत में, नगर निगम में ऐसे परिवार होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए वहां पर एक दीपक, थोड़ी मिठाई और एक तोरण द्वारा उस परिवार मकान पर जरूर लगवा दें। क्या लगाएंगे, सभी लोग जाएंगे, दोनों हाथ उठा के थोड़ा बताइए उत्साह के साथ, देखना चाहिए उत्साह आपका, भारत माता की जय। ये काम उन 43 लाख परिवारों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जैसे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने लखनऊ में सदस्यता की लॉन्चिंग की है, और पूरे प्रदेश की एक बैठक की है, आज गोरखपुर क्षेत्र के जो संगठन के 12 जिले हैं उसमें 286 हमारे मंडल हैं, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी मंडलों के प्रभारी, सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी, और सभी हमारे 62 विधानसभाओं के प्रभारी आज इस बैठक में आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी राधामोहन सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन होगा, और आज के एक तरह से मैं मान सकता हूं कि गोरखपुर क्षेत्र में आज सदस्यता की लॉन्चिंग भी होगी, और विधानसभा चुनाव की आज घोषणा भी, तैयारी की पूरी पृष्ठभूमि भी आज की बैठक से पूरी होगी। देखिए हमारे गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्रों में 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और 2 सहयोगी दलों के आधार पर हम सब जीते थे। इस बार जिस प्रकार की रणनीति है, हम केवल गोरखपुर क्षेत्र में 16 विधानसभा ऐसी थी जहां पर हम नहीं जीत सके थे, ऐसी विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं, उन सभी क्षेत्रों पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, और हमने देखा था गोरखपुर के क्षेत्र में रामकोला और तमकोही राज में उनकी जो सभाएँ हुई थी, जिस प्रकार से पब्लिक का रिस्पांस था, जिस प्रकार से लाखों की भीड़ उमड़ करके उनके
सभाओं में आई थी। मैं गारंटी पूर्वक कह सकता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ताओं ने 5 वर्ष तक जिस तरह निष्ठापूर्वक समर्पण के साथ काम किया और आप ये काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र में 50 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। निश्चित रूप से ये जो फोरम आया है गोरखपुर क्षेत्र का, चुनाव की दृष्टि से पूरे चुनाव को कंडक्ट करने वाली ये महत्वपूर्ण टीम आई है और हम नीचे तक जहाँ शक्ति केंद्र तक, बूथ तक, जहाँ हम मोदी जी और योगी जी के सहकारियों को नीचे तक ले जा सकते हैं, वहीं हम संगठन के को और कैसे मजबूत बना करके आगे की रणनीति बनाएं, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज की यह बैठक होनी है।